नगर स्थित ओम अकाउंट सेंटर में सेबी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बरेली के कई प्रसिद्ध चार्टर अकाउंटेंट के साथ कई इन्वेस्टरों ने भाग लिया। इस मौके पर सेबी एक्सपर्टों ने लोगों से सवाल कर उनकी बातों के जवाब दिए। वर्कशॉप में हिस्सा लेने पहुंचे सेबी एक्सपर्ट सुनील सक्सेना ने कहा, जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वह अपना पैसा तब इन्वेस्ट करें जब कंपनी के बारे में सटीक जानकारी हो। ये सेवी की तरफ से एक प्रोग्राम है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो जितने भी ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं, मनी मैटर्स हैं, इनको कैसे प्रोटेक्ट करें, कहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से रिटर्न की आशा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या क्या इसमें रिस्क होते हैं, इन सब बातों के विषय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन, आप अभी इस वर्कशॉप के दौरान में आप लोगों को बताया था कि पोंजी स्कीम्स को कैसे पहचान लेते हैं, किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये इसका एक उद्देश्य है। तो पोंजी स्कीम्स को देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में सेवी की साइट है, कंपनीज की साइट्स हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनको देखकर अगर इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर या उसके जो प्रोस्पेक्टस हैं उसमें जो जितनी भी डिटेल्स लिखी होती है प्रोस्पेक्टस की, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद में व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेके अगर स्कीम में पैसा लगाता है तो वो सब बचाव हो जाता है।